नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पांचवें चरण में भी कई सिटिंग व निवर्तमान जनप्रतिनिधियों को मिली हार। मध्य रेल के 13 ट्रेनों में शुरू हुई अनारक्षित कोच की सुविधा। राजधानी पटना में डेंगू के मामले बढ़े। बिहार बोर्ड इंटर की सेंटअप परीक्षा हुई शुरू। सोशल साइट्स पर भक्त चुनहर शब्द हो गया ट्रेंडिंग। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। जल जीवन हरियाली योजना लागू करने में गया जिला फिर से बना नंबर वन। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजनाओं में से एक जल जीवन हरियाली को लागू करवाने के मामले में गया जिला फिर से नंबर एक पर आई है। यह बात बीते दिन गया के कलेक्ट्रेट में बताई गई, जब डीएम की अध्यक्षता वाले बैठक में अलग अलग विभागों की प्रगति की जानकारी ली जा रही थी। इस क्रम में डीडीसी ने बताया कि गया जिला एक बार फिर से इस योजना को लागू करवाने में नंबर एक जिला बना है। इससे पहले भी इसी साल में यह उपलब्धि गया को हासिल हुई थी। इस बार हरियाली अभियान में गया को 53.07 अंक मिले हैं। वहीं अब सार्वजनिक कुओं की स्थितियां सुधारने के लिए काम किए जा रहे हैं। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने 1646 संरचनाओं, पीएचईडी ने 290 एवं नगर विकास और आवास विभाग ने 50 संरचनाओं पर कार्य प्रारंभ किया है। बिहार में 2 जिलों से मिले नए कोरोना संक्रमित। सूबे बिहार में कोरोना केस के घटने के साथ ही बीते कुछ दिनों से मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, मगर ताजा आंकड़ों में रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से रिलीज किए गए बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक 4 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है और ठीक होकर अपने अपने घर को लौटे हैं। तो वहीं राज्य में इस दौरान 2 नए कोरोना मरीज भी मिले हैं, जिनमें पटना और मधेपुरा से एक एक मरीज की पुष्टि हुई है। इसके बाद अब राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 35 हो गई है। वहीं रिकवरी दर में सुधार होकर यह 98.66% पर पहुंच गया है। सूबे में त्योहारों से पहले फिर से चलेगा टीका का महाअभियान। त्योहारों का दौर शुरू होने के साथ ही दूसरे राज्यों से बिहार में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसे देखते हुए बिहार सरकार की तरफ से 28 अक्टूबर को टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो भी लोग वैक्सीन लेने से छूटे हों उन्हें पहले और दूसरे डोज की वैक्सीन दी जाए। इस महाअभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम, सिविल सर्जन और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर कई सारे निर्देश जारी किए हैं। और इस बैठक में खास तौर पर कहा गया कि त्योहारों के दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच को प्राथमिकता के साथ कराएं, साथ ही वैक्सीन नहीं लगाने वाले को वैक्सीन की डोज भी लगाई जाए। सरकारी स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों की बुलाई जाएगी आम सभा। बिहार के करीब 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता की भूमिका बढ़ेगी। उन्हें नियत समय पर बुलाकर आम सभा आयोजित की जाएगी। बताते चले कि इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को आदेश जारी करके कहा है कि प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति में संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक की जगह पर अब संकुल विद्यालय के हेडमास्टर ही दायित्व को पूरा करेंगे। इसके लिए जल्द से जल्द विद्यालय शिक्षा समिति का पुनर्गठन करने का आदेश दिया गया है। इस समिति के पुनर्गठन होने के बाद से विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा संबंधित संकुल समन्वयक की सहमति से नियत तारीख को विद्यालय में नामांकित बच्चों के माता पिता अभिभावकों की एक आम सभा बुलाई जाएगी। इसके लिए सूचना पंजी के माध्यम से एक सूचना भी दी जाएगी। भ्रष्टाचारी थानाध्यक्ष के कई ठिकानों पर ईओयू टीम ने की छापेमारी। सूबे के आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की टीम लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। साथ ही इनकी नजर वैसे थाना पुलिसों पर भी है जिन्होंने अपराधियों से साठगांठ करके अकूत संपत्ति अर्जित की है। ताजा मामले में टीम ने सारण के डोरीगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी संजय प्रसाद के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी थानाध्यक्ष के मुजफ्फरपुर के आवास और बेतिया जिले में पैतृक आवास पर रेड चल रही है। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज है। जानकारी के मुताबिक थानाध्यक्ष के ऊपर बालू माफियाओं और दलाल के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की कमाई करने का आरोप है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही बिहार सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए एसपी, डीएसपी, थानेदार समेत लगभग 4 दर्जन कर्मियों और अधिकारियों पर एक्शन लिया था। पूर्व मध्य रेल के 13 ट्रेनों में शुरू हुई अनारक्षित कोच की सुविधा। कोरोना के केस में सुधार होने के बाद से ही लोगों की सुविधाओं से जुड़ी चीजों को पहले की तरह बहाल किया जा रहा है। इस कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे ने भी कुछ ट्रेनों में फिर से अनारक्षित कोच की सुविधा शुरू कर दी है। इससे पहले इन जनरल बोगियों में भी रिजर्व कराकर लोगों को जाना पड़ रहा था। इसके तहत अब पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के बीच चलाई जा रही 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में आज से कुछ जनरल बोगियों को अनारक्षित कोच के रूप में चलाया जा रहा है,
जिसके तहत अब लोगों को टिकट में कम रुपए देने पड़ेंगे। इनमें सहरसा पटना राजरानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सहरसा पाटलिपुत्र सहरसा एक्सप्रेस स्पेशल, जयपुर दानापुर जयनगर, सहरसा राजेंद्र नगर सहरसा, राजगीर दानापुर स्पेशल, पटना भभुआ रोड स्पेशल, धनबाद डेहरी ऑन सोन स्पेशल, धनबाद पटना धनबाद फेस्टिवल स्पेशल, पटना बड़काकना स्पेशल, पटना सिंगरौली स्पेशल, जयनगर पटना स्पेशल और धनबाद पटना धनबाद इंटरसिटी स्पेशल शामिल हैं। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने पर मिल रही है धमकियां। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए हाल ही में बिहार सरकार ने अभियान चलाने के आदेश जारी किए थे। आदेश के बाद से ही अधिकारी जमीन खाली कराने के नाम में लग गए थे, लेकिन अब जो जानकारी निकल कर के सामने आ रही है उसके अनुसार अतिक्रमण मुक्त जमीन का काम करवाने जा रहे अधिकारियों को स्थानीय लोगों की धमकियां का शिकार होना पड़ रहा है। इसको लेकर हाल ही में एक याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जिसके आधार पर पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को मिल रही धमकी को ध्यान में रखते हुए राज्य के DGP को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मौखिक आदेश दिया है। बताते चले कि राजधानी के बुद्ध कॉलोनी क्षेत्र के दुजरा में सरकारी जमीन स्थित तालाब के रूप में चिन्हित स्थान को विकसित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह की माने तो इस मामले में अतिक्रमणकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को फोन पर धमकियां दी जा रही है। पांचवें चरण में भी कई सिटिंग व निवर्तमान जनप्रतिनिधियों को मिली हार। बिहार में ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरियों के पांचवें चरण की मतगणना आज से प्रारंभ है। सुबह से ही कई मतगणना केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती शुरू हुई। बताते चले कि राज्य के 38 जिलों के 58 प्रखंडों व 845 पंचायतों के लिए मतगणना हो रही है। इस दौरान बिना पास के किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को निषिद्ध रखा गया था, तो वहीं कई पंचायतों में आज चुनावी रिजल्ट का पता चल गया, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर गिनती जारी है जिसके तहत कल तक रिजल्ट का पता चल जाएगा। आपको बताते चले कि अब तक में हर चरण की तरह इस पांचवें चरण में भी कई जगहों पर सिटिंग और निवर्तमान मुखिया जी को हार मिली है, तो वहीं रिजल्ट को देखा जाए तो इस चरण में भी लोग नए उम्मीदवारों पर भरोसा जताते हुए दिख रहे हैं। राजधानी पटना में डेंगू के मामले बढ़े। सूबे की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर पटना में डेंगू का खौफ बढ़ रहा है। अमूमन सभी इलाकों में डेंगू मरीज अस्पताल का रुख कर रहे हैं। बीते दिन सोमवार को डेंगू के 24 सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें से 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सभी मरीज पटना के ही रहने वाले हैं। इसी के साथ पटना में अब डेंगू मरीजों की संख्या 104 हो गई है। शहर में डेंगू के कहर को देखते हुए पटना नगर निगम ने संक्रमण वाले इलाके में साफ सफाई और रेगुलर फॉगिंग करने का निर्देश दिया है, तो वहीं आम लोगों को भी अपने घरों को साफ रखने की अपील की गई है। इसके अलावा जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रैपिड किट से डेंगू जांच की सुविधा मुफ्त में बहाल की गई है। बिहार बोर्ड इंटर की सेंटअप परीक्षा हुई शुरू। बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं की सेंटअप जांच परीक्षा शुरू हो गई है। यह परीक्षा 7 नवंबर तक चलने वाली है। इन सेंटअप परीक्षाओं में छात्रों का भाग लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसी के आधार पर बिहार बोर्ड की तरफ से इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 ली जाएगी। आपको बताते चले कि परीक्षा के सेंटर स्कूल कॉलेज में ही दिए गए हैं, तो वहीं परीक्षा के खत्म होते ही इसके रिजल्ट बिहार बोर्ड को भेज दिए जाएंगे। इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र ही इंटर के फाइनल परीक्षा को दे पाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2022 के फॉर्म भरने की अवधि को भी बढ़ा दिया है। इससे जो बच्चे छूट गए हैं वे अब आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। इसके तहत विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की तारीख 28 अक्टूबर तक कर दी गई है। सोशल साइट्स पर भगचोनहर शब्द हो गया ट्रेंडिंग। सोशल मीडिया और साइट्स पर लोग दो दिनों से एक शब्द का मतलब ढूंढ रहे हैं, और वह वही शब्द है जिसे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भक्त चरण दास को बताया है। जी हाँ, भगचोनहर शब्द, जिसका मतलब बिहार के तो कई लोग जान रहे हैं, मगर जो लोग नहीं जान रहे हैं वो अब इस शब्द का मतलब नेट पर खोज रहे हैं। रविवार की शाम से सोमवार की देर रात तक गूगल पर कई लोग भगचोनहर का अर्थ जानने के लिए सर्च करते रहे। कोई हिंदी में तो कोई मैथिली में, तो कई लोग अंग्रेजी में भी इस शब्द का अर्थ जानने को जिज्ञासु दिखे। आपको बताते चले कि गूगल पर सर्च करके रिजल्ट देखा जा रहा है, हालांकि अधिकतर में इस शब्द से जुड़ा समाचार ही नजर आ रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि बिहार के इस खास शब्द भगचोनहर का मतलब बेवकूफ होता है। सृजन घोटाले में अब तक दर्जन भर आरोपितों की करोड़ों की प्रॉपर्टी हुई जब्त। बिहार के भागलपुर जिले के बहुचर्चित सृजन घोटाले में ईडी की कार्रवाई तेज गति से हो रही है। इस मामले में अब तक एक दर्जन आरोपितों की 60 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को दर्ज कर लिया गया है। इसमें कई बड़े व्यापारी और अधिकारी भी नप चुके हैं। हाल ही में बीते दिन सोमवार को भागलपुर की पूर्व ADM जयश्री और उनके परिवार की 12.25 करोड़ से अधिक की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है। इसमें जयश्री के अलावा उनके
पति, उनके बेटे और बेटी के नाम से मौजूद संपत्ति शामिल है। जब्त अचल संपत्ति का सरकारी मूल्य 6.85 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन बाजार मूल्य इससे भी कहीं ज्यादा है। पूर्व एडीएम पर पहले भी ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है। लालू राज के इतिहास पर सीएम के कमेंट के बाद अब तेजस्वी यादव ने किया पलटवार। बिहार में लंबे समय के बाद अब जब लालू प्रसाद यादव आए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनके ऊपर तंज कसने को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी। राजद की तरफ से 2 सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छूट रहे हैं, तो इसके लिए सुप्रीमो लालू प्रसाद को भी चुनावी मैदान में उतरना ही पड़ा, जिसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने लालू राज के 15 साल के शासन की याद दिलाकर उन पर वार किया। तो वहीं अब पलटवार करने के लिए तेजस्वी यादव भी सामने आ गए। उन्होंने एक ट्वीट में सीएम को सलाह दी कि वे इतिहास के बासी पन्ने की जगह वर्तमान के मुद्दों पर बात करें। तेजस्वी ने सुबह ट्वीट में लिखा कि नीतीश कुमार जी बेहद शर्मीले स्वभाव के हैं, इसलिए वे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तस्करी, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी व्यवस्था पर कभी भी बात नहीं करते हैं। लालू प्रसाद ने पुरानी बात याद दिलाकर कांग्रेस को लाया बैकफुट पर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के लंबे समय के बाद बिहार आगमन होने के दिन से ही बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। अपने बेबाकी के लिए मशहूर लालू प्रसाद जैसे ही आए तब से वो कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के प्रयास में जुटे हैं। पहले तो वे कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को भक्चुनहर बताकर चर्चा में बने हुए हैं, तो वहीं अब एक बार फिर बैकफुट पर लाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस को पुराने दिन याद दिलाए और कहा कि उनकी पार्टी ने कांग्रेस को सरकार बनाने में मदद की है। आपको बताते चले कि कांग्रेस और राजद के बीच टूट के बाद लालू यादव एक्शन मोड में हैं और 27 अक्टूबर को वे कुशेश्वरस्थान और तारापुर में जनसभा भी करने वाले हैं। आईपीएल के अगले सीजन से जुड़ेगी लखनऊ और अहमदाबाद की टीम। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का अगला सीजन और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अगले सीजन से जो 2 नई टीमें जुड़ने वाली थी उनके नाम की घोषणा हो गई है। ये दोनों टीमें लखनऊ और अहमदाबाद की होंगी। इसके लिए बीते दिन सोमवार को दुबई में दोनों नई टीमों के लिए बोलियां भी लगा दी गई है। लखनऊ के लिए संजीव गोयनका ग्रुप की ओर से 7,090 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई, जो कि पहले राइजिंग पुणे जायंट्स को भी खरीद चुके हैं, जबकि अहमदाबाद के लिए 5,625 करोड़ रुपए की बोली विदेशी कंपनी सीवीसी ग्रुप ने लगाई है। आपको बताते चले कि संजीव गोयनका ने लखनऊ के लिए इतनी बड़ी बोली लगाकर सबको हैरान कर दिया है। इसी के साथ बीसीसीआई को इन दो नई टीमों से 12,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई है। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार लालू यादव के चुनावी प्रचार से क्या राजद को उपचुनाव में फायदा मिलेगा या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।